हेलो गाइस, वेलकम। हैप्पी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि, लव यू ऑल। फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं मेरे, देखो। बाकी जी जटा बनानी है मुझे अप्रैल के बाद, ये बाल इसीलिए पाल रहा हूँ। तो फाइनली अभी मंदिर नहीं गया हूँ, घर पे हूँ। शो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। जय श्री राम। आप बने रविंद्र जोशी ब्लॉग पे। अभी आपका भाई घर पे है। तो दोस्तों, अभी मैं ना घर पे हूँ। अब मैं चल रहा हूँ मंदिर की ओर। पूरी साफ सफाई हो गई घर में, बढ़िया झाड़ू पूछा हर चीज़ हो गया है, दहा धो के रेडी। पापा जी ने बहुत भक्ति भाव आज पूजा पाठ कर ली घर के मंदिर में, घर के अंदर मंदिर ऊपर। तब मैं जा रहा हूँ शिवालय रामेश्वर गंगा, रामेश्वर धाम जा रहा हूँ मैं। अपने गाँव के लोकल मंदिर शिवालय नज़दीक भी है, 2 किलोमीटर दूर। और धीरे धीरे चलते हैं। माठू माठू मम्मी जी भी आ रही है, मम्मी जी के साथ ही आज जल चढ़ाऊँगा। माँ के साथ में आज जल चढ़ाऊँगा, भोले बाबा प्रसाद करने हैं। तो सभी के लिए अच्छा मांगता है, सभी लोग मंदिर जा रहे होंगे। बढ़िया सा माहौल हो रहा है सुबह। और भैया जी, आज है ना 9:05 हो गया है इस समय टाइम। और आज है भैया सैटरडे, 18 फरवरी, सैटरडे, शनिवार। आज शनिवार है। तो फाइनली मैं हनुमान चालीसा भी लेके जा रहा हूँ। आज शिवालय के दिन नहीं, आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ये हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी आज। हर महादेव, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और जल चढ़ाते हैं मम्मी जी के साथ में चल के, मम्मी जी के साथ बैठ के जल चढ़ाएंगे। आप लोग बने रहो ब्लॉग पे, रविंद्र जोशी ब्लॉग पे। अभी चलते हैं भाई नीचे मंदिर की ओर। रामेश्वर धाम जा रहे हैं हम आज। तो दोस्तों, 18 फरवरी का दिन, कितना प्यारा दिन। और कल से ना मैं जॉब में भी जाने वाला हूँ। तो आप लोग फिर मेरी लाइफ जो है भैया बिजी भी रहेगी, और मैं ब्लॉग अच्छे अच्छे बना पाऊँगा, अच्छा अच्छा कंटेंट रख पाऊँगा। तो फाइनली ना, अभी कल मैं दोस्त की शादी में था, कल रात मैंने थोड़ी बहुत शूट किया, वो शादी का मैंने ब्लॉग अपलोड करना है। और आज महाशिवरात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, ऑल लव यू। तो अब मम्मी जी को वेट करेंगे, मम्मी जी और भाभी जी आ रही हैं साथ में, और मैं चलता हूँ तक बाइक से धीरे धीरे। मम्मी जी और भाभी जी के लिए हम पैदल पैदल आ रहे हैं, तो मंदिर में मिलो, उसके बाद मम्मी जी के साथ जल चढ़ाऊंगा। जब तक मैं चलता हूँ मंदिर की ओर, मम्मी जी का वेट करता हूँ मंदिर चल के। मम्मी जी अभी रेडी हो गई हैं, मम्मी जी से मिलाते हैं आपको, और बाहर का एक बार रस्सी भी शूट करते हैं। चलो चलो, बने रहो रविंद्र जोशी ब्लॉग। भाई को लाइक शेयर प्यार कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, आज का हुलिया मेरा ऐसा है, कुछ देखो, बढ़िया सी डाली है ऐनक, और लुआ डाल ली, और ये सर्दी वाले शूज डाल लिए हल्के, जो इसमें जुराब भी नहीं है, लेस भी नहीं है। तुरंत खोलोगा तुरंत रख दो वाला सीज। अपनी मम्मी जी आ गई हैं, ये बुल्ली हमारी। हैप्पी शिवरात्रि, बोलो बोलो बोलो, इधर आओ इधर आओ, नहा धो के आए हैं अपना मम्मा। हैप्पी शिवरात्रि मेरे प्यारे दोस्तों को, हैप्पी शिवरात्रि मेरे प्यारे दोस्तों सभी को, सभी को, ऑल ऑल फ्रेंड्स, लव यू को, ढेर सारा प्यार, जय हो। इधर देखो, जय श्री राम बोलो एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम, लव यू ऑल, जय श्री राम प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। ठीक है, मम्मा जी अभी मैं आ रहा है, मम्मा जी के साथ में मैं भी चलूंगा मंदिर। मम्मा जी के साथ में मंदिर चलते हैं, और जब तक मैं नीचे वेट करता हूँ। मम्मी जी बाइक से चलोगे, पैदल आ रहे हो? ठीक है, तुम पैदल आओ, 5-10 मिनट पहुँचो, जब तक मैं बाइक से चलता हूँ मंदिर शिवालय धाम, फिर शूट करते हैं धाम में पहुंच के। बने रहो, आज तो भाई पूरी रात जागरण करना है, आज पूरी रात भजन ही भजन करने हैं, कल सुबह तक जागना है, आज शाम पूरी दिन भर आज भजन ही भजन गाने हैं, शाम तक सुबह तक पूरा कंप्लीट ही करना है भाई। आज तो रामायण ही कर देनी है पूरी, मजा आ जाना आप लोगों को भाई। ये महाशिवरात्रि हमारे लिए रामायण ही है, पूरी रात भर आज भी जागरण कर सकते हैं हम लोग। चलो बने रहो, रामेश्वर धाम, रामेश्वर गंगा शिवालय मंदिर चलते हैं ब्रो। अपना मन ही शिवालय है, तो मन सच्चा है भाई, मन ही शिवालय है। सो हेलो दोस्तों, हम चल दिए हैं धन्नू को लेके फाइनली मंदिर, रेडी है एकदम, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट हो गई है, देखो मस्त स्टार्ट हो रही है। सामने खड़ी थी भाई, सामने और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आज बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो सब अभी मंदिर के लिए निकलेंगी। मेरा तो भैया टाइम हो गया है, गाड़ी बढ़िया स्टार्ट भी हो गई, बढ़िया हो गया, अब निकलते हैं धन्नू को लेके, बाय बाय, मंदिर मिलते हैं। सो हेलो दोस्तों, हैप्पी शिवरात्रि। आपका भाई शिवालय रामेश्वर धाम पहुंच गया है फाइनली, सामने सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, अभी श्रद्धालु कम कम दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें भीड़ बढ़ रही है। ये देखो हमारा पुराना स्कूल, 6 से 8 तक की 3 क्लासें यहाँ पे हमने पढ़ाई करी थी, तो हमारा ये स्कूल है वो राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिछलटाना रामगढ़।
उच्च प्राथमिक विद्यालय विशलटाना रामगढ़। तो यहाँ पे स्कूल है अपना प्यारा सा। तो ये है अपने स्कूल टाइम का यादगार पल। ये अपने मैगी पॉइंट के द डेंजरस व्यू मैगी पॉइंट के पारस भैया के पिताजी की कलाकारी है। देखिए शिक्षा का अभियान अधिकार सर्व शिक्षा अभियान। तो हमारा स्कूल है, तो इस स्कूल में हमने पढ़ाई करी थी। अभी अंदर जाके मैं आपको शूट करूँगा, इस जगह चलूँगा। तो फिलहाल अभी हम मंदिर की ओर आ गए हैं, मंदिर में शूट करते हैं थोड़ी देर। बढ़िया सा माहौल हो रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। मंदिर में पानी भी चढ़ाना है, हमें जल चढ़ाना है। हर हर महादेव। तो दोस्तों पहुँच गए रामेश्वर धाम शिवालय। इस समय बाकी भैया मनी शिवालय है। पंडित जी नमस्कार। तो आ गए हम शिवालय और टीका पिठिया लगवा लेते हैं। और अभी हाँ 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 ताऊ जी भी हैं साथ में, बिल्कुल। तो अभी जल चढ़ाते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, थोड़ी रेस्ट के बाद ही जल चढ़ा पाएंगे। और सामने अपनी रामेश्वर गंगा बह रही है बढ़िया शुद्ध तरीके से भैया। और आगे भी रोड है, पीछे भी रोड है, कहीं पर भी आप गाड़ी पार्क करके मंदिर में आ सकते हो हमेशा एनी टाइम। आज है भैया महाशिवरात्रि का दृश्य कुछ इस तरह। अभी शिवलिंग पे थोड़ा भीड़ है, अंदर दिखाई नहीं दे रही है आपको। थोड़ा जल चढ़ाते समय बाबा के दर्शन कराएंगे आपको। शिवालय रामेश्वर धाम शिवलिंग के अभी आपको दर्शन इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति है और यहाँ पर भी पूजा पाठ चली हुई है। मंदिर का सुंदर दृश्य भाई इस समय। और सामने अपनी रामेश्वर गंगा, रामेश्वर गंगा शुद्ध गंगा बह रही है। और ये पूरी रोड है देखिए, ये कंधार कांडा जाने वाली रोड है। तो कहीं पर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, ऊपर नीचे राइट साइड। तो ये मंदिर का नज़ारा और मंदिर का दृश्य। ओम नमः शिवाय। ये नीचे यहाँ पर भी एक छोटा मंदिर है भैरव बाबा का। देखिए यहाँ भी पूजा पाठ चल रही है। ये अपना धुना यज्ञ के लिए धुना बनाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को सब माफ़ होता है, बच्चों की गलती में माफ़ है। तो यहाँ पे अपने हिमांशु भाई, रावत जी, योगेश भाई, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तिवारी जी अपने सच्चे भक्त बाबा के, हर शिवरात्रि में इस मंदिर में आते हैं अपने तिवारी जी। तो आज भी हर साल की तरह तिवारी जी आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा देर वार्तालाप करते हैं अपने चिराग बाबा। चिराग भैया अपने कल शाम से ही यहाँ पे जुटे हुए हैं मंदिर में और आज सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं बिल्कुल। और यहाँ पर अपनी रसोई, एक मंदिर की रसोई है। यहाँ पर बंटी चाचा अपने काजू बादाम पिस्ता वगैरह मटेरियल तैयार करने में लगे हुए हैं। तो सामने खीर बन रही है अपने धीरज भाई गाँव के, खीर बन रही है बड़ी प्यारी। और भंगोटे की भी तैयारी हो रही है आज महाशिवरात्रि। जो भंगोटे से जो बाबा जी जो बोलते हैं भैया, विष पिया था भोले ने, और हर किसी की बस की नहीं है। बाकी तो भैया जो आजकल की नई पीढ़ी युवा पीढ़ी है जो दम लगा के बोलती है जय भोले की, वो गलत है। दम लगा के जय भोले की नहीं बोलना है, बिना दम लगाए जय भोले की बोलना है। तो ये है भैया हमारे पहाड़ का रीति रिवाज और सांस्कृतिक, जो भी अपने कह सकते हो और सुन सकते हो। बाकी बढ़िया सी रसोई में आग वाग जली हुई है और मटेरियल तैयार हो रहा है। आगे खीर बन रही है प्रसाद के रूप में। यहाँ पे भंगोटी की भी तैयारी हो रही है, काजू बादाम पिस्ता जो भी अपने बंटी चाचा कर रहे हैं गाँव के। और सामने दूध। दीपक भाई, हर हर महादेव। तो अभी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते रहेगी भीड़। आज भीड़ से हम रामायण बना देने वाले हैं इस शिवरात्रि को। रात भर आज भजन से जागरण होना है, ये हमने अभी तक ठान रखा है। कितने हमारे दोस्त जुड़ते हैं आज इस महाशिवरात्रि जागरण में, देखते हैं इस जागरण में कौन कौन आज हैं। तिवारी चिराग भैया आज जागरण कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। रामायण की तरह आज कंप्लीट, भले नॉन स्टॉप आज चलना है, पूरी रात भर जागरण करना है। कल सुबह हम भी निकल लेंगे अपनी जॉब में। हाँ आज देखते हैं कौन कौन भाई अपने साथ खड़े रहता है शाम को। अभी तो भाई दिन है, पूरा दिन आज यहीं पे मंदिर में बिताना है हमने बाबा के द्वार पे। और शाम को आज हमने जागरण भी करना है यहाँ पे रामेश्वर धाम पे। सो भैया जी हम आ गए हैं अपने हनुमान दास बाबा कुटिया में। इस समय बहुत प्यारा दृश्य भैया, यहाँ पर आग चली हुई है, धुने हैं, जय हो हर महादेव। बहुत प्यारा दृश्य
पुरानी कुटिया है बाबा जी की, आज पूरी कंटिन्यू नॉन स्टॉप आज जागरण चलेगा भाई रात को भजनों से। आज स्वागत होगा भोले बाबा के द्वार पे, बहुत बढ़िया कंटेंट होने वाला है आज का। अपने योगेश दा, अपने योगेश दा भी आ गए हैं बड़े भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये अपने माता रानी का मंदिर, बगल में शिव जी का मंदिर, फिर वहाँ पर बजरंगबली का मंदिर बना है और यहाँ पे माता रानी का मंदिर। अपनी भाभी जी आए हैं, अपनी मम्मी जी हैं, साथ में पंडित जी हैं, यहाँ पर पूजा पाठ में लगे हैं। और पंडित जी ने ना मुझे बढ़िया आज महादेव बना दिया, देखो महादेव बना दिया मुझे आज पंडित जी ने, अगला पिटिया वटिया लगा के मज़ा आ गया भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज ना मुझे फर्स्ट शिवरात्रि में आज मौका मिला लाइफ में, पहली बार मम्मी जी के साथ जल चढ़ाने का, अपनी माँ के साथ जल चढ़ाया आज बाबा जी के शिवलिंग पे रामेश्वर धाम पे। तो दोस्तों रामेश्वर धाम पे ना माता जी के साथ पहली बार आज ऐसा मौका मिला, मम्मी जी के साथ में आज मैंने जल चढ़ाया और काफ़ी मन प्रसन्न हो गया है। और सामने अपनी रामेश्वर गंगा बह रही है, तब चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, चाय पानी, फिर शूट करते हैं दिन भर आज ब्लॉग। ये शिवलिंग के पीछे से पानी आ रहा है, देखो प्यारी वनस्पतियाँ। यहाँ पे गुरुजी हैं अपने, गुरुजी, गुरुजी का नाम है श्री हरिओम शास्त्री जी हैं, अपने बड़े भाई भी हैं अपने गांव के और अपने गुरुजी भी हैं, गुरुदेव जिन्हें बोलते हैं। और हमारा यह बहुत प्राचीन मंदिर है, ग्राम थोड़ा जोर से बोल रहा है, ग्राम जूतिया का, यहाँ सभी लोग आस्था का केंद्र है। सब हर शिवरात्रि और सोमवार के दिन यहाँ के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। पुराणों में मान्यता है भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की, बिल्लू पत्र चढ़ाने की, बिल्लू पत्र इत्यादि चढ़ाकर दूध दही इत्यादि चढ़ाएं, शिवरात्रि की ढेर सारी आपको मंगलमय कामनाएं। बाकी गुरु जी हमारा ये रामेश्वर धाम कब बना है ये भी बता दीजिए, क्या किस टाइम से बुजुर्गों के टाइम से मैंने बताया बना है। ये राम सिंह रावत जी की जन्म भूमि में बना है, उन्होंने दान किया है, इतना प्राचीन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। धन्यवाद गुरुजी ने बहुत कुछ हमारी वीडियो बताया, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने साथ में पंडित जी भी हैं, कांडा कंधार से बिलोंग करते हैं, अपने साथ में क्लासमेट भी हैं पंकज भाई, पंकज भाई भी अपने गुरुजी। तो यहाँ पर हनुमान जी बालाजी का मंदिर और यहीं पर मैं भी आया हुआ हूँ, तो गुरु जी भी मिलते हैं आगे, अभी शूट करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी शूट करते रहेंगे पूरा दिन भर का ब्लॉग, अभी भजनों से आज हमने पूरा रामायण आज पूरा रस देना है पूरा भैया, आज बाबा जी को बिल्कुल खुश कर देना है। बाकी पंडित जी ने हमको बना दिया है महादेव और हम भी अब हो जाते हैं भाई महादेव की भक्ति में लीन, जब तक ले लेते हैं रेस्ट। ये आ गए अपने महाशिवरात्रि का महाप्रसाद, काजू बादाम पिस्ते दूध में पड़े हुए हैं, भंगोटा बना हुआ है, एक साथ थोड़ी भांग भी डाली है इसमें, देखते हैं कितने बंदों को असर करेगा ये, कितने श्रद्धालु आज झूम उठेंगे इसमें। कम डाला है, कम मात्रा में, लिमिट हल्की मात्रा में डाल रखा है भांग पीस के, डाल देंगे। बाकी बैठे अपने बाबा जी, हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से। मम्मी जी इधर देखो, जय श्री राम, जय श्री राम। पापा जी इधर हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि कहो, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। मम्मी जी आज पीली साड़ी में है,
बहुत बढ़िया लग रहा है, मम्मी भी स्मार्ट लग रहा है। तो आज का दिन भर अपने शिवालय रामेश्वर धाम में थे और फाइनली वहाँ से अभी अभी आया हूँ। दुकान पे बैठा था अपने बिट्टू भाई की, तो भैया जी अभी 7:55 हो गया टाइम, आज शनिवार 18 फरवरी, तो मजा आ रहा है जिसमें घर पे मम्मी पापा के साथ। और कल आपका भाई जॉब पे भी आने वाला है, कल पे पर मजबूरी है, थोड़ा मजबूरी के चक्कर में, पर बाकी अपने भाई जॉब पैसन जॉब अच्छी है और अच्छी चीज़ है भाई, जॉब करना अच्छी बात है। जॉब करना जॉब से सारे रूटीन सारे रूल नियम बन जाते हैं, तो जॉब मुझे अब करनी पड़ेगी कल से। मैं दिल्ली अपने पुरानी जॉब पे जाने वाला हूँ, फाइनली मज़े आने वाले हैं लाइफ में, बिजी लाइफ चलेगी भाई। 10-11 घंटे अपनी ड्यूटी, बाकी सुबह शाम फ्री टाइम में ब्लॉग शूट करेंगे और संडे संडे अपनी छुट्टी भी रहती है, बाकी छुट्टी वाले दिन ब्लॉग अपलोड करेंगे, बढ़िया शूट करेंगे आप लोग भी, नए नए एपिसोड बनते रहेंगे, चलते रहेंगे भैया। अभी घर पे मम्मी पापा के साथ हैं, टाइम से घर आ गए हैं और अभी हम मंदिर में जागरण करने वाले थे आज, तो अभी गाँव के लड़के जो भी अपने समूह खाते हैं तो आज बोल रहे हैं कि यार नहीं हो पाएगा, टप हो जाएगा, मैंने भी कल जाना है भाई, जब कोई नहीं कर पाएगा तो मैं अकेला क्या करूँगा बैठ के। तो मैंने तो पूरी ठानी थी भजन वजन करने की आज, रामायण की तरह पूरा रचाने की रात को, बाबा जी को खुश। बाकी मैं आज लाइफ में फर्स्ट बार अपनी माता जी मम्मी जी के साथ बोले बाबा जी को जल चढ़ाया रामेश्वर धाम अपने तल्ला रामगढ़ पोस्ट ऑफिस जुतिया, मेरी लोकेशन मंदिर रामेश्वर धाम मंदिर शिवालय, मंदिर भी बोलते हैं शिवालय भी बोलते हैं, और बढ़िया पवित्र गंगा रामेश्वर गंगा रामगढ़ से बहती हुई जा रही है मंदिर के सामने से रोशनी। और भाई आने जाने के लिए सब रोड रोड सब सुविधा है, कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, मंदिर हमेशा 24 घंटे खुला है, 48 घंटे एनी टाइम कोई भी कभी भी आ सकता है बाबा शिवालय मंदिर रामेश्वर धाम। वहीं से आपको आगे सीधे कैंची धाम भी है, 15-16 किलोमीटर कैंची धाम की दूरी तय है, तो वहीं से आप कैंची भी जा सकते हो रामेश्वर धाम दर्शन करने के बाद शिवालय मंदिर। तो फाइनली अब जल्दिया बना है हमारा भोजन, आज प्रसाद के रूप में सारा भोजन कहेंगे इसे, मम्मी जी अब सामने प्रसाद डाल रहे हैं, मम्मी जी लगे हैं देखो ये बढ़िया बाबा जी सलाद कटा हुआ है। अब अपना व्रत अभी तोड़ेंगे सुबह से, आज व्रत लिया था फास्ट का, फाइनली मजे आ रहे हैं मम्मी पापा के साथ। फोन में वीडियो कॉल में देख पाऊंगा मम्मी पापा को, बात कर पाऊंगा कॉल में और याद करूंगा बहुत ज़्यादा। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे घर में भी आज महाशिवरात्रि महापर्व त्यौहार में क्या क्या चीज़ें खाने में बनी है, चलो बात करते हैं खाने की, खाने की चीज़ें दिखाते हैं आपको क्या क्या बनी है। सभी के यहाँ चंद्रा बाई से बनते हैं खाने में, देखो शूट करते हैं क्या क्या बना हुआ है, बाबा जी ने बेर और एप्पल काटा हुआ है, सेब, ये पूरी प्रसाद है, ये लोहड़ी चावल वो शादी से आए हैं लोहड़ी हो क्या बोलते हैं उसमें पूरी टाइप के सूखे, और ये है हमारी रोटी, मम्मी जी ने रोटी भी बना दी है, यह बीन्स की सब्जी जाओ, ये है आलू की सब्जी, ये हमारी मम्मी जी बहुत प्यारा खाना बनाया है, और ये है शकलगंजी है कद्दू सीताफल, और ये तरुण नहीं है जबकि ये शिवरात्रि का वहाँ पर उत्तराखंड लोग परिद क्या बोलते हैं उत्तराखंड में तेल का बहुत ज़्यादा वो मानते हैं भाई, शुभ तेल होना चाहिए आज महाशिवरात्रि के दिन, तेल पहले पहाड़ों में एक दो साल पहले तो घर ही में होते थे, इस बार हमारे घर में भी नहीं हुए हैं। अरे इधर दूध भी रखी है, वो ग्रास भी रख दिया गाय के लिए, हलवा बनाया है और ये कद्दू सीताफल शकलगंजी अपना बढ़िया, आलू की सूखी सब्जी बीन्स की सब्जी और बेर और एप्पल, और काटते हैं कार मम्मी जी बोलो जय श्री राम, बोलो पहले जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हाँ मम्मी जी बढ़िया खाना बना रहे हैं, खाते हैं सब लोग मिलके प्यार से, बढ़िया सा महाशिवरात्रि के दिन आज बढ़िया अच्छी लगती है, शकलगंजी और कद्दू जो उबाल के आया है, ये उबाली वाली डिश है, उबाली कुदरती प्राकृतिक डिश है, मिट्टी में निकलती है, तुम देखे आओ मम्मी जी तुम्हारे हाथ से शुभ रहेगा, मैं नहीं जा रहा अभी तब तक मैं शूट करता हूँ, फिर साथ में खाएंगे, तुम देखे चाची लोगों का दिल ले आना, ये मेरे लिए सब्जी डाल दी है मम्मी ने, सूखी सब्जी आलू की, हाँ धनिया भी डाला है, लेटेस्ट बीन्स की सब्जी
अभी क्या क्या आएगा चाचा जी के यहाँ से पता लगेगा हमें। सूजी भी आ गई, बीन्स की सब्जी भी मिल गई मुझे, आलू भी मिल गए। अब मैं खाऊंगा खाऊंगा बढ़िया। तो मजा आ रहा है इसमें। पापा आगे दुआरी का दीश लगा रहे हैं कि देख रहे हैं। कल शाम हम शादी में गए थे, हमारे साथ बड़ा तगड़ा पोपट हो गया था शादी में, तो अभी हम ऐसे वीडियो में नहीं बोल सकते। हम भाई बड़े सहनशीलता और सहन शक्ति से रहने वाले इंसान है। बाकी हमारे साथ कल एक पोपट हो गया था रात को शादी में, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब हमने अपने आप को फिर भी बहुत कंट्रोल में कर लिया, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली जो हुआ सब बाबा जी पे बोल दिया, सब ठीक हो गया। तो फाइनली अब कल हम जॉब भी जाना है हमने। अभी गाइस करते हैं खाना शुरू। मम्मी जी जा रहे हैं चाची जी के यहाँ पे, छोटी मम्मी के यहाँ पे, ये लेके प्रसाद के रूप में एप्पल बेर शकलगंजी अरुण और क्या बोलते हैं सूजी पेड़ा आलू मांस के होता है। हर जगह पहले से बुजुर्ग लोगों के टाइम से होता है और बहुत प्राकृतिक मतलब औषधि औषधि भरा वो है, औषधि समझ लो। और इस बार भी हमारे घर में नहीं हुए थे फाइनली। पापा जी पेड़ नहीं है ना, पेड़ नहीं लाए हो, चलो करूड़ नहीं लाए गए क्योंकि करूड़ की कमी रह गई। बाकी सारा भोजन है जो जो बनता है अपने प्रसाद में। हमारे पहाड़ों में रिवाज जो है महाशिवरात्रि के पर्व पे महापर्व पे खाना वाना करते हैं शुरू। मेरा मम्मी की थाली में खा रहे हैं कुछ चीज उठा भैया। कल से मम्मी जी की याद आएगा, पापा जी का भी याद आएगा ना। मम्मी से कल से वीडियो कॉल करेगी, फोन पर बात करेगी, बढ़िया रोटी सब्जी भी बहुत प्यारी बनाती है, बहुत टेस्टी खाना है रोज़ की तरह। आज भी कपड़े वपड़े सब मैंने बिखेर रखे हैं अपने इधर उधर, अभी सब बनाऊंगा। अभी पैकिंग एक बैग तो पैक कर दिया है गाय जी, सामने मुझे अपने कपड़े बिखेर रखे हैं सब। पापा जी अपना बिस्तर लगा रहे हैं, मैं और मम्मी खा रहे हैं। अब मिलते हैं आप लोगों को साग बहुत बढ़िया है रो जगह को नहीं सीताफल हाल पीना साग ले रहो झांसियों में बुला खनी है पीने साग से बहुत बढ़िया खाना बढ़ लो खाली नो होगा मिलनू एक नई एपिसोड में नई ब्लॉग में। बाय बाय जगड़ियो, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। भैया जी बढ़िया खाना वाना खा रहे हैं इसमें पंडित जी की सांस में। ये चाची जी कहाँ से आया है, कद्दू की सब्जी सीताफल की और आलू की सब्जी और आई है, चूहे का हलवा भी आ रहा है बन रहा है सारी मम्मी चूहे का हलवा। चलो आज का ब्लॉग करते हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस। आज के ब्लॉग करते हैं समाप्त, कल को जाना भी है मम्मी पापा को आज छोड़ के, कल को फिर आएंगे बाद में, नहीं फिर आएंगे बाद में। चलो बाय बाय करो, मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Oh,